ನಗರದಲ್ಲಿ ಸುವರ್ಣಾಕ್ಷರದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿಡುವಂತಹ ದಿವಸ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ನೆಚ್ಚಿನ ನಾಯಕರು, ರಾಷ್ಟ್ರದ ಧೀಮಂತ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳಾದಂತಹ ಮಾನ್ಯ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿ ಅವರು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮನ್ನ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ, ನಮ್ಮನ್ನ ಹುರಿದುಂಬಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವಂತ ಮಾನ್ಯ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿ ಅವರಿಗೆ ಬೋಲೋ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ, ಬೋಲೋ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ. ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಮಾನ್ಯ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿ ಅವರಿಗೆ, ಮಾನ್ಯ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿ ಅವರಿಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ, ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕದ ಹೆಬ್ಬಾಗಿಲು ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಭೆಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಂತ ಆದರಣೀಯ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿ ಅವರಿಗೆ ಇವತ್ತು ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಆಜ್ ಹಮಾರೇ ಬೀಚ್ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಮಹಾದ್ವಾರ, ಕಲಬುರಗಿ ಶಹರ್ ಮೇ ಏಕ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಭಾ ಸಂಬೋಧಿತ ಕರ್ನೆಕ್ಕೆ ಲಿಯೆ ಹಮಾರೇ ಸಭಿಗೆ ಚಾಹತೆ ನೇತಾ, ಹಮಾರೇ ಹೃದಯ ಸಾಮ್ರಾಟ್ ಶ್ರೀ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಜೀ ಕೋ ಮೈ ಏಕ ದೋ ಲಫ್ಜ್ ಮೇ ಸ್ವಾಗತ ಕರ್ನ. ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಪರವಾಗಿ ಆಜ್ ಈ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಸಭಿ ನಾಗರಿಕ ತರಫೆ ಮೈ ಮಾನ್ಯ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಜೀ ಕೋ ದೋ ಲಫ್ಜ್ ಸಮರ್ಪಿತ ಕರ್ನಾ ಚಾಹತಾ ಹೂ. ಮಾನ್ಯ ಮೋದಿ ಜೀ ಆಪ್ ಆಯೇ ಹಾರ್ಕೋ ಜೀತ್ ಕಿ ಇಸ್ ದುವಾ ಮಿಲ್ ಗಯಿ, ತಪ್ತ ಗರ್ಮಿ ಕೆ ಮೌಸಮ್ ಮೇ ಠಂಡಿ ಹವಾ ಮಿಲ್ ಗಯಿ, ಆಪ್ ಆಯೇ ಇಸ್ ಸಭೀ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಮಾನ್ಯ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಜಿ ಅವರನ್ನ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ನಾನು ಕೋರ್ತೇನೆ. ಈ ಭಾಗದ ಆರಾಧ್ಯ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಮಾನ್ಯ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಜಿ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಅನ್ನುವಂಥ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ಕೋತೇನೆ. ಆದರಣೀಯ ಮೋದಿ ಜೀ ಹಮ್ ಸಭಿ ಕೆ ಬೀಚ್ ಹೇ ಆಜ್ ಇಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಸಭಿ ನಾಗರಿಕ ಸಭೆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತಾವು ಕಿ ಓರ್ ಸೇ ಮೈ ಆಜ್ ದೋ ಲಫ್ಜ್ ಕಹತೇ ಉನ್ನೇ ಸ್ವಾಗತ ಕರ್ತಾ ಹೂ. ಮೋದಿ ಜೀ ಆಪ್ ಆಯೇ ಹಾರ್ ಕೋ ಜೀತ್ ಕಿ ಏಕ ದುವಾ ಮಿಲ್ ಗಯಿ, ತಪ್ತ ಗರ್ಮಿ ಕೆ ಇಸ್ ಮೌಸಮ್ ಮೇ ಠಂಡಿ ಹವಾ ಮಿಲ್ ಗಯಿ, ಆಪ್ ಆಯೇ ಹಮ್ ಸಭಿ ಕೆ ಚಾಹತೆ ನೇತಾ ಆದರಣೀಯ ಶ್ರೀ ಮೋದಿ ಜೀ ಯೂ ಲಗಾ ಜೈಸೆ ತಕ್ಲೀಫ್ ಮೇ ಕುಚ್ ದವಾ ಮಿಲ್ ಗಯಿ. ನಾನು ಮೋದಿ ಜಿ ಅವರನ್ನ ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲರನ್ನ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೋರ್ತೇನೆ. ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ, ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ. ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕದ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ನಿಮಗೆ ಶರಣು ಶರಣಾರ್ಥಿಗಳು, ರಾಷ್ಟ್ರ ಕೊಟ್ಟರು ಆಳಿದನೇ ಸಂತ ಬಸವಣ್ಣವರು ನಡೆದಾಡಿ ಪುಣ್ಯಭೂಮಿ
मिताक्षर ग्रंथ बरेद संत विज्ञानेश्वर नाडु स्वातंत्र सेनानी राजा वेंकटप्पा नायकर होराड़ भूमि अनेक महापुरुषर ई पुण्य भूमि के नानु नमन सल्ली सुत्तेने इष्टु विशाल सभेगे ಬಂದಿರುವ ನಿಮಗೆ ನನ್ನ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಮಂಚ ಪರ ವಿರಾಜಮಾನ್ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಗೆ सभी वरिष्ठ महानुभाव, इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के सभी उम्मीदवार और विशाल संख्या में पधारे कलबुर्गी के मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये सभा का रूप देख करके लग रहा है कि आपको इस मई महीने की गर्मी तो सहन करनी है, लेकिन आप कांग्रेस की सरकार को सहन नहीं करनी है। ये आपका मिजाज, ये आपका मिजाज दिखाई दे रहा है। भाइयों बहनों, चुनाव आते हैं जाते हैं, जनसभाएं होती हैं, आरोप प्रत्यारोप होते हैं, लेकिन ऐसा जनसैलाब, ऐसा जुस्सा सरकार को बदलने का, ऐसा संकल्प आम तौर पर नहीं दिखाई देता है जो इस बार कर्नाटक में चारों तरफ दिखाई दे रहा है। कर्नाटक की जनता का संकल्प है कि 5 साल तबाह हो गए, अब एक पल भी कर्नाटक को बर्बाद नहीं होने देना है। और इसलिए भाइयों बहनों, आज देश में क्या कारण है, देश के हर कोने से कांग्रेस पार्टी की छुट्टी हो रही है। कहीं पर नजर कीजिए, पिछले 4 साल में देश के हर कोने में कांग्रेस पार्टी को पराजय का मुंह देखना पड़ा है। आजादी के बाद पहली बार देश की जनता को देशव्यापी एक विकल्प के रूप में भारतीय जनता पार्टी के प्रति एक नई आस्था, नया उमंग, नया विश्वास पैदा हुआ है। भाइयों बहनों, ये चुनाव हमारे इस क्षेत्र में कौन विधायक बने, कौन न बने, कौन पार्टी जीते, कौन पार्टी हारे, किसकी सरकार बने, किसकी सरकार न बने, इस छोटे से काम के लिए चुनाव नहीं है। ये चुनाव तो कर्नाटक के नौजवानों का भविष्य तय करने के लिए है, कर्नाटक के किसानों का भाग्य बदलने के लिए है,
कर्नाटक की माताओं बहनों को सुरक्षा और सम्मान देने के लिए चुनाव है, यहां के नौजवानों को उनके हक का अधिकार का जो मिलना चाहिए वो मिलने के लिए चुनाव है। और इसलिए मेरे भाइयों बहनों, 12 मई को जब आप मतदान करेंगे तो आप सिर्फ और सिर्फ कर्नाटक के उज्जवल भविष्य को ही ध्यान में रखकर के कमल के निशान पर बटन दबाइए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, दिल्ली सरकार, मोदी सरकार कर्नाटक के विकास के लिए कर्नाटक की भाजपा के सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के चलेगी। भाइयों बहनों, कलबुर्गी ये देश की एकता और अखंडता के लिए जीवन खपाने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल का कलबुर्गी के साथ एक विशेष रिश्ता रहा है। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल थे जिन्होंने इस कलबुर्गी को लोकतांत्रिक भारत का हिस्सा बनाया। निजाम ने जब विलय के पत्र पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया था तब लौह पुरुष ने उनको झुकने पर मजबूर कर दिया था। गोरोटा गांव, वहां जो शहीद हुए, मैं आज इस धरती से उन वीर शहीदों को भी नमन करता हूं। जलियांवाला बाग में जो अंग्रेजों ने किया उसी प्रकार का अत्याचार निजाम के राज में गोरोटा के शहीदों को झेलना पड़ा था। भाइयों बहनों, मैं आप सभी को और विशेषकर कर्नाटक का भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं को बधाई देना चाहता हूं कि जिन्होंने शहीद स्मारक का निर्माण किया। ये काम जो स्थानीय जनता ने किया वो कांग्रेस सरकार भी कर सकती थी, लेकिन जहां भी सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम आता है तो कांग्रेस के एक परिवार की नींद उड़ जाती है और पूरे कांग्रेस के लोग भी सरदार वल्लभ भाई पटेल से पीछा छुड़ाने के लिए भागते रहते हैं। भाइयों बहनों, कांग्रेस के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रति ये तिरस्कार ये कोई नई घटना नहीं है, ये उनके स्वभाव में है। भाइयों बहनों, कांग्रेस के स्वभाव में ये भी है, सिर्फ सरदार वल्लभ भाई नहीं, देश के अन्य वीर शहीद नहीं, ये कांग्रेस पार्टी तो शहीदों और देशभक्तों का उनको नीचा दिखाना, उनको भुला देना, उनको अपमानित करना, क्योंकि तभी एक परिवार की गाड़ी चल पाए, इसलिए इतिहास को भुला देने का लगातार प्रयास रहा। आप कल्पना कर सकते हैं कि हमारे वीर सैनिकों ने आतंकवादियों के किले में जाकर के सर्जिकल स्ट्राइक करके उनके छक्के छुड़ा दिए। और भारत के एक प्रसिद्ध अखबार ने लिखा था कि वहां के लोग कह रहे हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक के बाद ट्रकों में
पाकिस्तान को मृतदेह उठाने पड़ रहे थे, ऐसा पराक्रम सर्जिकल स्ट्राइक में हमारे वीर सैनिकों ने किया, तब ये कांग्रेस पार्टी बेशर्मी के साथ देश के शहीदों का अपमान करने की आदत रखने वाली, देश के वीरों का अपमान करने की आदत रखने वाली, मातृभूमि के लिए जी जान से मरने मिटने वालों को भुला देने वाली कांग्रेस ने सर्जिकल स्ट्राइक के लिए भी सवालिया निशान खड़े कर दिए और कहा, मोदी जी जरा सबूत लाइए, सबूत लाइए। मैं जरा कलबुर्गी के भाइयों और बहनों से पूछना चाहता हूं, क्या आपको सबूत की जरूरत है? क्या मेरे वीर जवान कैमरा लेकर के जाएं या बंदूक लेकर जाएं? भाइयों बहनों, सबूत चाहिए तो पाकिस्तान में जो मुर्दे हटाए जा रहे थे, जरा उनकी जानकारी ले ले कांग्रेस के लोग, उनको पता चल जाएगा हमारे वीर सैनिकों ने कैसा पराक्रम किया था। भाइयों बहनों, लेकिन जो उनके सर्वश्रेष्ठ नेता भी खुलेआम बड़ी सभा में अगर वंदे मातरम का अपमान कर सकते हैं, तो उनसे देशभक्ति के पराक्रमों के प्रति सकारात्मक भाव व्यक्त होना असंभव होता है। और इसलिए भाइयों बहनों, आजादी के इन दीवानों के प्रति, और हमारे कर्नाटक में भी इस कांग्रेस पार्टी का सेना के साथ कैसा नाता रहा है, ये हमारे कर्नाटक के भाइयों से ज्यादा कौन जानता है। फील्ड मार्शल करियप्पा और जनरल थिमैया पूरे विश्व में सेना नायकों के रूप में जिनका नाम था, पूरा हिंदुस्तान जिनका नाम लेते ही गर्व अनुभव करता है, आज भी उनका स्मरण करते हुए हमारी हिंदुस्तान की सेना के जवान मर मिटने के लिए निकल पड़ते हैं। लेकिन फील्ड मार्शल करियप्पा हो, जनरल थिमैया जी हो, उनके प्रति कांग्रेस सरकारों का क्या रवैया रहा था, किस प्रकार से उनको अपमानित किया गया था, ये इतिहास भली भांति आपको बताता है। 1948 में पाकिस्तान से युद्ध जीता फील्ड मार्शल जनरल थिमैया जी के नेतृत्व में, लेकिन उस पराक्रम के बाद कश्मीर को बचाने वाले जनरल थिमैया का उस समय के प्रधानमंत्री नेहरू और उस समय के रक्षा मंत्री कृष्णा मेनन ने बार बार अपमान किया था, और इसी के कारण जनरल थिमैया को अपने पद से सम्मान के खातिर इस्तीफा देना पड़ा था। मैं कर्नाटक की नई पीढ़ी को बताना चाहता हूं, ये कांग्रेस का रवैया देश के सेना के मुखिया के प्रति रहा है, कर्नाटक के वीर पुत्र के प्रति रहा है, ये बात कर्नाटक के नौजवानों ने भूलनी नहीं चाहिए। भाइयों बहनों, फील्ड मार्शल करियप्पा 1962 भारत और चीन की घटना आज भी इतिहास की तमारों में दर्ज है, और उनके साथ फील्ड मार्शल करियप्पा जी के साथ क्या व्यवहार किया गया। इतना ही नहीं, सर्जिकल स्ट्राइक के बाद हमारे वर्तमान सेनानायक, उनको कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता, उन्होंने यहां तक कह दिया
कि ये तो गुंडे हैं गुंडे। भाइयों बहनों, आपसे मैं पूछना चाहता हूं, इस देश में कभी भी कोई अनपढ़ व्यक्ति भी क्या कभी हमारे सेनानायक को, हमारी सेना को, देश की रक्षा के लिए मर मिटने वाले जवानों को कभी भी, और मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या कभी भी कोई हमारे इन वीर सैनिकों को कभी गुंडा कहने का पाप कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं क्या? क्या कांग्रेस ने सेना को गुंडा करने कहने वाले लोगों को माफी मंगवाने के लिए मजबूर किया क्या? क्या कांग्रेस पार्टी से उनको निकाला क्या? क्या कांग्रेस पार्टी उनको रक्षण दे रही है कि नहीं दे रही है? मंच पर बिठा करके उनको शोभायमान कर रही है कि नहीं कर रही है? भाइयों बहनों, जय जवान जय किसान ये मंत्र हिंदुस्तान की सेना, हिंदुस्तान के किसान को ताकत देता रहा, जवानों के साथ लगातार क्या करते रहे हैं उसके इतिहास में मैं और ज्यादा जाना नहीं चाहता। लेकिन मेरा किसान भाइयों बहनों, ये हमारा क्षेत्र जो दाल पैदा करने वाला क्षेत्र है, कलबुर्गी को तूर दाल का खलिहान या कन्नड़ा में तोगारी कनाजा, ये तोगारी कनाजा भी कहा जाता है। यहां के किसानों की मेहनत आज हिंदुस्तान भर में गुलमर्ग तूर दाल एक ब्रांडेड नेम बन गया है, और पूरे कर्नाटक में जितनी तूर दाल होती है उसकी आधी तूर दाल यहीं के मेरे किसानों के परिश्रम से पैदा होती है। भाइयों बहनों, इस वर्ष कलबुर्गी में फिर दाल का रिकॉर्ड उत्पादन हुआ है। निश्चित तौर पर केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ यहां के किसानों ने उठाया है। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के लक्ष्यों को उत्पादन के साथ जोड़ा है और उसके नतीजे भी मिल रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा किसान दाल का उत्पादन करें, उन्हें दाल के सही दाम मिले, खरीद केंद्रों की स्थापना हो, इस पर सरकार, भारत सरकार लगातार ध्यान दे रही है। केंद्र सरकार दाल उत्पादन पर रोड मैप बना करके देश में आगे बढ़ रही है। लेकिन ये कर्नाटका की कांग्रेस सरकार दाल के किसानों के प्रति रत्ती भर भी संवेदनशील नहीं है। मुझे बताया गया कि भारत सरकार ने एमएसपी तो तय किया, लेकिन उस एमएसपी का फायदा किसान अभी भी इंतजार कर रहा है। ऐसी कैसी सरकार चलाई कि भारत सरकार की इतनी बड़ी योजना का फायदा भी तूर दाल पैदा करने वाले मेरे कलबुर्गी के किसानों को ये सरकार पहुंचा नहीं पाई। भाइयों बहनों, ऐसी सरकार वादे करने के बावजूद भी आगे आपको कुछ नहीं दे पाएगी, और इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूं, यूपी में तो अभी हमारी सरकार बनी, यूपी में पहले की सरकारों में एमएसपी के गीत गाने की आदत थी, लेकिन किसानों को एमएसपी का फायदा मिले ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी। ये हमारे योगी जी की सरकार बनी, 3 महीने के भीतर भीतर उन्होंने बीड़ा उठाया, और जितना धान पहले एमएसपी में खरीदा जाता था उन्होंने एक ही साल के अंदर 10 गुना धान एमएसपी में खरीद करके किसानों को हक के पैसे दिलवाने की योजना बना करके दिखाई। भाइयों बहनों, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, किसान नेता और किसानों को समर्पित, किसानों के लिए जीवन भर संघर्ष करने वाले येदियुरप्पा के नेतृत्व में
भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, किसानों के कल्याण के काम में सारी जो रुकावटें हैं इनको दूर करके आपको पूरा हक दिया जाएगा। भाइयों बहनों, आप सबको भली भांति पता है कि एमएसपी के अंदर हमने तय किया है स्वामीनाथन कमीशन के अनुसार लागत जो होगी इसका 1.5 गुना एमएसपी दिया जाएगा। इसकी घोषणा हमने ऑलरेडी करके लागू कर दिया है। आज कांग्रेस वाले, मैं कहीं अगर एमएसपी की बात बोलता हूं तो उनको जरा तकलीफ हो जाती है। मैं जरा उनको पूछना चाहता हूं, अनेक वर्षों तक ये स्वामीनाथन कमीशन के रिपोर्ट को अलमारी में चढ़ा देने का पाप आपकी कांग्रेस की सरकार ने किया था, हमने तो इसको बाहर निकाल करके लागू करने का काम किया है। कम से कम सच नहीं बोल पाओगे मैं जानता हूं, लेकिन चुप तो रह पाओगे, अरे इतना तो सीखो। भाइयों बहनों, अगर हमें किसान में ताकत है, अगर उसको पानी मिल जाए, समय पर पानी मिल जाए, तो मेरा किसान मिट्टी में से सोना पैदा करने की ताकत रखता है। कृष्णा और तुंगभद्रा जैसी जीवनदायिनी नदियों के बावजूद कलबुर्गी और उस पूरे क्षेत्र के किसानों के खेत सूखे होने के लिए कांग्रेस पार्टी पूरी तरह जिम्मेवार है। कांग्रेस ने भले ही इन सारे चीजों पर उदासीनता रखी है, लेकिन मेरे किसान भाइयों बहनों, मैं कांग्रेस ने पाप किया इसलिए राजनीतिक फायदा उठाने के लिए चुप बैठा रहूं, ये मेरा काम नहीं है। मेरा काम है किसानों की चिंता करना। कांग्रेस ने भले न किया हो, और हमने देश भर में करीब 100 ऐसी योजनाएं खोज करके निकाली जिसको 30-30, 40-40, 25-25, 20-20 साल से कोई पूछना नहीं था, लटकी पड़ी थी। 5 तो आपके कर्नाटका की है, और हजारों करोड़ रुपया खर्च करके सिंचाई के इस काम की ओर हम लगे हैं, और 4,000 करोड़ रुपये के खर्च से ये जो हम प्रोजेक्ट आपके यहां लागू कर रहे हैं, जिसमें से 1 तो पूर्ण हो चुका है, 4 भी बहुत जल्द पूर्ण होने वाले हैं, और उसका फायदा बीदर, बेलगावी, यादगीर, बीजापुर, हावेरी, कलबुर्गी, इन सभी क्षेत्रों को इसका फायदा मिलने वाला है। आप कल्पना कर सकते हैं कि किसान को इसके कारण कितना लाभ मिलेगा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, भाइयों बहनों, आजाद हिंदुस्तान में किसानों को सुरक्षा देने वाली ऐसी योजना इसके पहले कभी नहीं बनी, और हमारे एमपी महोदय ने तो अपने क्षेत्र में किसानों को फसल बीमा योजना का सबसे अधिक फायदा दिलाने का काम किया, मैं उनको बधाई देता हूं। लेकिन कर्नाटक की सरकार, उनको लगता है कि भारत सरकार की इज्जत बढ़ रही है, हम कर्नाटक में इसके पीछे क्यों धन खर्चे, हमारी जिम्मेवारी को क्यों निभाएं। लेकिन भाइयों बहनों, इसके कारण किसानों के साथ अन्याय होता है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का भरपूर लाभ आने वाले दिनों में किसान को मिलेगा, और जहां जहां बीजेपी की सरकारें हैं ये हमारी प्राथमिकता रहेगी। कर्नाटक में भी बीजेपी की सरकार बनने के बाद ये हमारी प्राथमिकता रहेगी। आज कर्नाटक में 14 लाख के करीब किसानों को इसका कवरेज मिला है, लेकिन ये बहुत कम है। करीब करीब 1100 करोड़ रुपया किसानों की जेब में गया है, लेकिन हम इससे भी आगे जाना चाहते हैं, और इसलिए भाइयों बहनों, मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगा कि आइए हम इस विकास की यात्रा में और आगे बढ़ें। और भाइयों बहनों, कांग्रेस के एक बड़े नेता हैं,
श्रीमान खड़गे जी, ये कांग्रेस की कमाल देखिए। इस चुनाव में वो दलितों के नाम पर गीत गा रहे हैं, पिछले चुनाव में कह रहे थे कि आप हमें वोट दीजिए, सरकार बनाइए, हम खड़गे जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। ये था कहा था कि नहीं कहा था? ये दलितों को गुमराह किया था कि नहीं किया था? खड़गे जी के नाम पर वोट मांगा और गुप्त मतदान के रूप में वोट की बात करके खड़गे जी को कर दिया कि नहीं कर दिया? और भाइयों बहनों, ये दलितों की बात करने वाली कांग्रेस को मैं पूछना चाहता हूं, भाइयों बहनों, जहां भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाने का अवसर मिलता है वहां लोगों का विश्वास जीतते हैं और उसके कारण हमारा कमल का फूल खिलता है, लेकिन जहां जहां कांग्रेस को अवसर मिलता है वहां सिर्फ और सिर्फ कुछ परिवार ही फलते फूलते हैं। कोई अंदाज लगा सकता है खड़गे जी के परिवार की संपत्ति कितनी होगी? भाइयों बहनों, क्या ये दलितों का विकास हुआ? अरे इतना ही नहीं भाइयों बहनों, दलितों पर जो अत्याचार की घटनाएं कर्नाटका में हुई है वो किसी से छिपी हुई नहीं है। यहां पड़ोस में बीदर में दलित बेटी के साथ क्या हुआ था ये सोशल मीडिया में आज भी पड़ा हुआ है और दिल्ली में कैंडल मार्च निकालने वाले मैं कांग्रेस के लोगों से पूछ रहा हूं, जब बीजन में दलित बेटी पर इतना अत्याचार हुआ तो ये तुम्हारी कैंडल लाइटें कहां खो गई थी, तुम्हारे नेता कहां खो गए? भाइयों बहनों, SC ST के कानून को हमारी सरकार बनने के बाद 2015 में हमने मजबूत बनाया। छोटी छोटी बातों में भी सामाजिक भेदभाव, अनाप शनाप भाषा का प्रयोग, समाज के कुछ वर्गों को पीड़ित करने का प्रयास किसी भी समाज को शोभा नहीं देता है और इसलिए शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लोगों को सम्मानपूर्वक जीने के लिए हमने कानून को और मजबूत बनाया। और इतना ही नहीं, हम पूरे देश में ये न्याय दिलाने के लिए हम कोर्ट का पूरा मजबूत जाल, डेडिकेटेड कोर्ट का मजबूत जाल ये भी बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं ताकि समाज में भेदभाव की स्थिति न बने, ऊंच नीच की वातावरण न बने, मान अपमान के किस्से न बने और सब लोग साथ रह करके जीने की दिशा में आगे बढ़े, उस दिशा में हम प्रयास कर रहे हैं। भाइयों बहनों, हम वो सरकार है जो आदिवासियों के कल्याण से जुड़ी हुई सरकार है। इस देश के आदिवासियों ने आजादी के जंग में बहुत बड़ा योगदान दिया था, लेकिन एक परिवार का भला करने के उत्साह में, एक ही परिवार को साष्टांग प्रणाम करने की आदत रखने वाली कांग्रेस ने 70 साल में देश के इतिहास को कुचल दिया, सामान्य मानवीय के पराक्रमों को कुचल दिया। हमने तय किया है हिंदुस्तान के हर राज्य में जहां जहां आदिवासियों ने 1857 के स्वतंत्र संग्राम से लेकर के 1947 तक आजादी के जंग में अपनी आहुति दी है उनके अलग म्यूजियम बनाए जाएंगे और उनको सम्मानित करके नई पीढ़ी को प्रेरणा देने का काम किया जाएगा। भाइयों बहनों, हमने एक बड़ा महत्वपूर्ण कानून बनाया। हमारे देश में ज्यादातर खनिज उस इलाकों में है जहां हमारी आदिवासी बस्ती रहती है, समाज के पिछड़े वर्ग के लोग रहते हैं। हमने बनाया और हमने तय किया है कि इस खनिज में से जो पैदावार होगी उसका एक निश्चित हिस्सा उसी इलाके के आदिवासियों और विस्तार के विकास के लिए खर्च करना पड़ेगा। और
भाइयों बहनों, उसका लाभ आज कर्नाटक में भी कई क्षेत्रों को मिलना चाहिए, लेकिन सरकार ऐसी सोई पड़ी है, रुपये तो ले लेती है लेकिन खर्च करने की योजना नहीं बना रही है। ये इनका आदिवासियों के प्रति ये रुझाव है। भाइयों बहनों, उज्ज्वला योजना हमारे देश में गैस सिलेंडर 9 मिलेंगे कि 12 मिलेंगे, इसकी बहस करके चुनाव लड़े जाते थे। एक गैस सिलेंडर लेने के लिए, गैस का कनेक्शन लेने के लिए मध्यम परिवार के लोगों को राजनेताओं के घर के चक्कर काटने पड़ते थे। हमने सारी स्थिति बदल दी। हमने सामने से कहा कि मैं मेरे देश की गरीब से गरीब मां को भी चूल्हे के धुएं की जिंदगी से मुक्ति दिलाना चाहता हूं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 8 करोड़ परिवारों में गैस का चूल्हा पहुंचाने का संकल्प किया। 3.25 करोड़ से ज्यादा परिवारों में गैस का चूल्हा पहुंचा दिया गया। भाइयों बहनों, काम कैसे होता है ये इसका जीता जागता सबूत है। भाइयों बहनों, हमारी हर प्रकार से कोशिश यही है कि देश के सामान्य में, सामान्य व्यक्ति के जीवन में बदलाव कैसे आए, विकास के नए पैमानों पर देश के सामान्य व्यक्ति को कैसे पहुंचाया जाए, और इसी काम को लेकर के आज भारतीय जनता पार्टी आपसे वोट मांग रही है। और इसीलिए भाइयों बहनों, 12 मई को कमल के फूल पर बटन दबा करके येडियुरप्पा जी के नेतृत्व में हम सब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएं, स्वच्छ, सुंदर, सुरक्षित कर्नाटक निर्मित सोना बन्नी एलरू केजोडीसी सरकार बदली सी, बीजेपी गिल्ली सी सरकार बदली सी, सरकार बदली सी, सरकार बदली सी, सरकार बदली सी। दोनों मुट्ठी बंद करके हाथ ऊपर करके बोलिए, सरकार बदली सी, सरकार बदली सी, सरकार बदली सी। बहुत बहुत धन्यवाद।